थम्स अप। ओके जी, गुड मॉर्निंग है। एडिटिंग करंट लेक्चर 2 शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर 1 में आप लोगों को बता दिया था कि कैसे एवरेज वैल्यूज और आरएमएस वैल्यूज निकाली जाती हैं। आज हम बात करेंगे सर्किट एलिमेंट ऑफ एसी। सर्किट एलिमेंट ऑफ एसी यानी एसी को कंट्रोल करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए आप लोग किन किन एलिमेंट्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहली बात कर रहे हैं रेजिस्टर, इसे बताना पड़ेगा। हम लिख रहे हैं प्योर रेजिस्टर। प्योर रेजिस्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस आप यूज कर रहे हो, प्योर रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट या विद एसी सोर्स। चेक करते जाना, ध्यान से सीखते जाना भैया। एक रेजिस्टर के साथ आपने एसी सोर्स जोड़ दिया है, एसी सोर्स की वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी हमने लेट किया है कि हमारे पास सोर्स की वोल्टेज के हिसाब से बदल रही है। ये मैं जनरल एक्सप्रेशन वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई भी मान सकता हूं, लेकिन फिलहाल आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान सी चीज लेके चल रहे हैं। जो 99.99% प्रॉब्लम में दे रखा होता है वी की वैल्यू लेके हम लोगों ने वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वाली चीज हमें मालूम है क्या कहलाती है, फेज एंगल कहलाती है। और अगर फाई आ जाएगा तो वो इनिशियल फेज एंगल होता है। अब वोल्टेज की वैल्यू ये रही। अब ये प्योर रेजिस्टर जुड़ा हुआ है तो सिंपल सी बात है, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा। चेक कीजिए करंट भी नाम है तो ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। भूल मत जाना, कुछ चीजों को ध्यान रखना। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है। V नॉट को क्या बोलते होते हैं, पीक वोल्टेज या मैक्सिमम वोल्टेज। V आरएमएस का एक्सप्रेशन इसके लिए बता चुका था, V नॉट बाय रूट टू आएगा। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कितनी है, तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना आएगा, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना तो I की वैल्यू आएगी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज बाय आर। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मैं मालूम है आपका पोटेंशियल डिफरेंस वेरी है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां होगा यही अपीयर हो जाएगा। तो करंट वहां का इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय आर। वी की वैल्यू पुट किए बच्चों तो ये आई की पीक वैल्यू आ गई। आई नॉट साइन ओमेगा टी इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट। आई की वैल्यू आ चुकी है, कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी आपको। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा तो आपको समझ में आएगा कि वोल्टेज करंट का बिहेवियर कैसा है। एक ही ग्राफ में वोल्टेज और करंट का बिहेवियर बना रहा हूं। वोल्टेज का ग्राफ V नॉट साइन ओमेगा टी किया है, एक साइकिल का ग्राफ बनाया है। तो आई का ग्राफ कैसा बनेगा, यू शुड अंडरस्टैंड कि जो आई का ग्राफ होगा वो भी ऐसा ही बन रहा है, बस पीक उसका अलग है। हो सकता है कि आर की वैल्यू एक से कम हो तो आई का पीक बड़ा हो जाए, लेकिन एक बार हम लोग मान लेते हैं कि बी का ही पीक बड़ा है। तो आप सबको समझ में आ गई बात, क्या दिखाई दे रहा है, वी एंड आई आर इन सेम फेज। जैसे जैसे बी बड़ा वैसे से आई बड़ा, बी घटा तो आई घटा, बी नेगेटिव हुआ तो आई भी नेगेटिव हुआ, बी जीरो तो आई जीरो। वी एंड आई आर इन सेम फेज, ये टाइम डिपेंडेंस ग्राफ है। और चेक करें, एक इसके लिए बनाना होता है फेजर डायग्राम। इस फेजर डायग्राम को ढंग से सीखिएगा बच्चों, ये फेजर डायग्राम आपको क्लियर होगा चौथे पांचवे सर्किट के अंदर, आपको समझ में तभी समझ आएगा, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा क्लैरिटी कब आएगी जब आप चौथे पांचवे सर्किट तक पहुंचेंगे। इस केस में मान लीजिए आप वोल्टेज को किसी इंस्टेंट पर ओमेगा टी एंगल पे शो कर रहे हैं। फेजर आपको याद है, फेजर हम लोग सर्किट में शो किया करते हैं, या तो यू घुमा दो या यू घुमा दो। मैंने मान लिया वोल्टेज का पीक वी नॉट का है, वोल्टेज को वी से शो कर रहा हूं, टी टाइम तक इसने ओमेगा टी एंगल सप्लाई नहीं किया है, वोल्टेज को मैं किस तरीके से घुमाने वाला हूं। पहले वोल्टेज जीरो थी टी इक्वल टू जीरो पर, फिर वोल्टेज पॉजिटिव वी नॉट होगी। वाई एक्सिस पर हम लोग इसका प्रोजेक्शन रीड कर रहे हैं, टी इक्वल टू जीरो पर वोल्टेज कितनी है, वाई एक्सिस का प्रोजेक्शन जीरो। टी टाइम पर ये ओमेगा टी से घूम गया तो y एक्सिस का प्रोजेक्शन कितना आ रहा है, v नॉट sin ओमेगा t। तो अगर वोल्टेज ने ओमेगा t एंगल बना रखा है तो i भी इसी फेज पर है, तभी लिखा है v एंड i
आर इन सेम फेज। क्या तुम सब बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? वोल्टेज और करंट सेम फेज में, इसकी मैक्सिमम पोलैरिटी कब आएगी? थोड़ी देर के अंदर, जब हम लोग तीन चार पांच सर्किट कर चुके होंगे। ये फेजर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप देखते चलिए वन बाय वन चीजों को, यहां तक की बात नोट कीजिए, यहां तक की बात नोट कीजिए बच्चों। ध्यान से देख लीजिए, ये क्या सिंबल है? ये एसी जनरेटर का सिंबल है कि दिस थिंग इज प्रोड्यूसिंग एसी। डीसी का सिंबल ये वाला था, एसी का सिंबल ये वाला है। ये एक सोर्स है जो एसी को प्रोड्यूस कर रहा है इस इक्वेशन की। समझ में आ गया? व्हाट इट इज, इट इज एसी जनरेटर व्हिच इज प्रोड्यूसिंग एसी फॉर अस। तो रेजिस्टर एज सर्किट एलिमेंट, रेजिस्टर एज सर्किट एलिमेंट, ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ गया, ये वाला डायग्राम आपको समझ में आ जाना चाहिए। हम किस एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन स्टडी कर रहे हैं? वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन को स्टडी कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, तो हम लोगों ने उसी तरीके से v नॉट एम्पलीट्यूड का रेडियस का एक वेक्टर ले लिया जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। t इक्वल टू 0 पर वेक्टर यहां था, t टाइम पर ओमेगा t एंगल पर पहुंचा, तो t टाइम पर y एक्सिस का प्रोजेक्शन v नॉट साइन वेव कर लिया। इट्स आवर चॉइस कि हम प्रोजेक्शन को y एक्सिस पे स्टडी करें या x एक्सिस पे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है बच्चों। हम इस केस में प्रोजेक्शन y एक्सिस पे स्टडी कर रहे हैं। तो ये प्योर रेजिस्टर इन एसी सर्किट एज सर्किट एलिमेंट पड़ा। नेक्स्ट हेडिंग दे रहे हम लोग इसी के अंदर, प्योर कैपेसिटर एज सर्किट एलिमेंट, प्योर कैपेसिटर एज सर्किट एलिमेंट। ये इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन ढंग से सीखना और बहुत ढंग से सीखना डियर, चेक कीजिएगा। प्योर कैपेसिटर एज सर्किट एलिमेंट, आपने एसी सोर्स के साथ एक सी कैपेसिटेंस का कैपेसिटर जोड़ दिया है और कोई रेजिस्टर तो है नहीं, प्योर कैपेसिटर है, यानी जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इंस्टेंटली इसके क्रॉस आएगा, इंस्टेंटली। तो कितना चार्ज आएगा? तो देखो क्या लिख रहा हूं। नंबर वन, पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ऑफकोर्स व्हाट काइंड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? Instantaneous, instantaneous potential difference across capacitor कितना आ गया? V not sin omega t, तो generator पे depend करेगा कि मैं function V not sin omega t दे रहा हूँ, cos omega t दे रहा हूँ। और जरूरी नहीं है कि आपको voltage का function दे रखा हो सकता है आपको I का function दे रखा हो, वो सब decide करना आ जाएगा थोड़ी देर में। V equal to V not sin omega t आपने apply किया, तो charge on capacitor क्या आएगा? कौन सा चार्ज लिखोगे आप? लिखोगे इंस्टेंटेनियस चार्ज, क्योंकि तो इंस्टेंटेनियसली बदलेगा। चार्ज आता है सीवी से बच्चों, तो चार्ज आ गया सीवी नॉट साइन ओमेगा टी। इसे आप क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली हमें इस पूरे चैप्टर में वी और आई के रिलेशन पर बात करनी है। यहां से तुम्हें दिख गया कि Q और V सेम फेज में, लेकिन हमें स्टडी क्या करना है? V और I, क्योंकि V इनटू I पावर बनेगा हमेशा, तो एनर्जी आ रही है जा रही है, वो डिस्कशन करने के लिए पूरे चैप्टर में किसकी बात करनी है? V और I की। हाँ तुम्हें दिखाई दे रहा है लेकिन कि V और Q सेम फेज में। चलिए I ढूंढते हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? इंस्टेंटेनियस करंट इन सर्किट। देख लो भैया, आई की वैल्यू डी क्यू बाय डीटी से आनी है डियर, बोर्ड से ध्यान नहीं डाला, क्यू नॉट की बजाय सी नॉट लेके चल रहा हूं। यहां आ जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, फिर कह रहा हूं बोर्ड से ध्यान नहीं डाला, आई इक्वल टू सी वी नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, आई इक्वल टू फिर से चेक करना वी नॉट बाय वन बाय सी ओमेगा।
इसको अरेंज करके लिखा है, रीअरेंज किया इस चीज को कॉस ओमेगा टी। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, चेक करते थे ये करंट है, ये डायमेंशन है, इट शुड बी करंट। अगर ये करंट है और ये वोल्टेज है तो इट शुड बी समथिंग लाइक रेजिस्टेंस आर, क्योंकि वी अपॉन आर ये हो सकता है। लेकिन इसे आर नाम नहीं दे रहे हैं, इसे नाम दे रहे हैं एक्स सी। एक्स सी को क्या बोलते हैं अभी बता रहा हूं, पहले पूरी टर्मोलॉजी देखते चले जाओ, ये समझ में आ गया। इसे हम लोग आई नोट कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये आ गया आई इक्वल टू आई नोट कॉस ओमेगा टी, वेयर आई नोट इज वी नोट बाय एक्स सी। इसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स सी की मैंने लिखनी है 1 अपॉन सी ओमेगा, यूनिट इसका ओम में आएगा। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल इट कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यूनिट रेजिस्टेंस का ही है लेकिन रिएक्टेंस है। आज से आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस तीन प्रकार के होंगे, सिर्फ रेजिस्टेंस, एक वर्ड आएगा रिएक्टेंस और एक वर्ड आएगा इंपीडेंस। तीन नाम है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इंपीडेंस। मैं एक एक करके बोलता हूं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वो वैल्यू आर जो एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा। ये ओमेगा इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है। अगर आपके पास किसी सर्किट में रेजिस्टेंस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ना करे तो वो प्योर रेजिस्टेंस है। अगर आपके पास किसी सर्किट में रेजिस्टेंस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करे तो वो रिएक्टेंस है। और किसी सर्किट में आपके पास फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टर्म रेजिस्टेंस पर डिपेंड होती हो तो उसका नाम इंपीडेंस है। धीरे धीरे इसको फिर बोलेंगे, डेफिनेशन देंगे, लेकिन इसका नाम क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस क्यों, क्योंकि ये वाला रेजिस्टेंस जो भी आ रहा है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। उस सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, कि वो सोर्स जो है वो 50 हर्ट्ज का होगा, 20 हर्ट्ज का होगा, 30 हर्ट्ज का होगा, ये डिपेंड करेगा जी। समझ रहे हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या चीज होती है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा। अभी बहुत कुछ सीखना है, गड़बड़ नहीं करना है, बहुत कुछ सीखना है। अभी लिखिए मत, अभी सिर्फ सुनिए, फिर आराम से उसको रिवाइज करके लिखते रहिएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्ड आ गया है एक्स सी इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा। अगर मैं एक्स सी का ओमेगा के साथ ग्राफ प्लॉट करूं तो ओमेगा इक्वल टू जीरो, ओमेगा इक्वल टू जीरो मतलब डीसी सोर्स, क्योंकि डीसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। डीसी सोर्स के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनफाइनाइट है, इसीलिए बोलते हैं कि डीसी सोर्स में कैपेसिटर में से डीसी क्रॉस हो ही नहीं सकती। चार्जिंग तो कर सकती है लेकिन क्रॉस नहीं हो सकती, क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है। हुआ क्लियर? ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ हम बनाना आता है बच्चों, ये एक्स इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा ग्राफ बन गया। बहुत ध्यान ध्यान सीखना है। आई इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, यहां आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो शुरू हो रही है वो यहां हो रही है शुरू। ये 1 2, इसका नाम 3 दे देते हैं, इसका नाम 4 दे देते हैं और इसका नाम 5 दे देते हैं। अब चेक करना, थर्ड को चेक करना भैया। वी आई इक्वल टू आई नॉट, दोनों की फ्रीक्वेंसी ओमेगा ओमेगा है, यानी इनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा। इसे क्या लिख रहा हूं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। फेज डिफरेंस जब भी निकालना हो तो ओमेगा टी पॉजिटिव होना चाहिए ताकि ओमेगा टी से ओमेगा टी कट सके। ये फेज एंगल इतना, इसका फेज एंगल इतना, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू क्या होता है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, सॉरी माइनस टी, साइन 90 प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा। अब ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू का मतलब क्या होगा आपको समझना पड़ेगा। क्या समझ में आएगा कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में नहीं है। आपको देखो ना, V का फंक्शन अलग आया और I का फंक्शन
यहां से समझ में आएगा जब ग्राफ को बोलूंगा, पहले लाइन लिखता हूं फिर वो समझ में आएगी बात। इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज पाई बाय टू और वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट, दोनों वर्ड बोल जाने चाहिए, लैग्स बिहाइंड करंट मतलब पिछड़ती है बाय फेज पाई बाय टू, 90 फेज का फर्क है दोनों में, करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। समझा तो समझेगा यहां पर इस ग्राफ इस पूरी बात से, V और I, V और T और I और T एक साथ ग्राफ बनाएंगे, पहले वोल्टेज टाइम ग्राफ ये रहा, I का ग्राफ बनाना है वो पीक वैल्यू कौन सी होगी, T बाय टू और T ये सब बोलना हमें आता है डियर, थोड़ा सा इसको और सेट कर लें। नाउ प्लॉटिंग द आई, आई का ग्राफ आई नॉट कॉस ओमेगा टी का डियर, तो ये आई का ग्राफ कॉस ओमेगा टी का, यहां से इसका पीक शुरू कर रहा हूं, यहां पर इसका जीरो वैल्यू आएगा, यहां नेगेटिव और ये रेजिस्टेंस, ये आई का ग्राफ आ गया। आप समझिए इस बात को, इस जगह पर ऐसा नहीं है कि वी बढ़ने पर आई बढ़ रहा है, वी घटने पर आई घट रहा है। अब ये चीजें मैथमेटिकली डील हो रही है आपके सामने है कि अगर चार्ज का फंक्शन, अगर पोटेंशियल का फंक्शन ये वाला था तो चार्ज का फंक्शन तो सेम फेज में आ रहा है लेकिन आई का बिहेवियर तो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी वोल्टेज जब जीरो तो करंट में जीरो है, कुछ अलग ही तरीके का बिहेवियर है लेकिन चीज तो यही प्रूव हो रही है। यदि वी के बढ़ने से आई बढ़ता नहीं है या वी के घटने से आई घटती रहे जैसा प्योर रेजिस्टेंस में रहा था, अलग तरीके का बिहेवियर होगा, अलग तरीके का बिहेवियर, ये यहां से मैथमेटिकल स्टडी ऊपर है, समझ में आता रही है। लास्ट फेजर डायग्राम बना रहा हूं वो समझ में आना जरूरी है डियर, लास्ट फेजर डायग्राम इसके नीचे बनाना है लेकिन यहां प्लॉट कर रहा हूं, फेजर डायग्राम बनाना था हमें, तो फेजर डायग्राम देखिएगा, वोल्टेज को अगर आप इनिशियल से ओमेगा टी एंगल पर दिखाते हैं तो आई इससे 90 फेज आगे चल रही है, ये चीजें एसएचएम में तुम्हें बहुत अच्छे से सिखा रखी है, वोल्टेज और आई के फंक्शन ये रहे, ये पूरा 90 डिग्री का ब्लॉक ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है से मतलब जब वैल्यू बदलेगी, देखते समझ में आता है नहीं आता आप लोगों को, समझ लीजिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन रहेगा भी, वोल्टेज ये नहीं तो करंट ये रहा, वोल्टेज जीरो मैंने पहले बोल दिया कि बाइक्स की प्रोजेक्शन स्टडी कर रहे हैं, चाहे वी का फंक्शन हो चाहे आई का फंक्शन हो आपको स्टडी यहां करना है, तो यहां चेक करना डियर समझ में आएगी बात, वैल्यू किसी टाइम पर y से आएगी, इस इंस्टेंट पर v का फंक्शन y से तो जीरो है, i का पीक है, अब चेक करो v बढ़ रहा है i घट रहा है, v बढ़ रहा है और i, चेक करते जाओ v का मैक्सिमम तो i का मिनिमम, अरे मेरी गलती नहीं होने पर बात तो समझ में आ रही है सबको, अब आगे v v घटना शुरू तो i नेगेटिव हो गया, तो कैसे फेजर वाली बात चल रही है समझ में आ रहा है क्या, ये चीज यहां पर भी शो किया और वहां भी समझाई है, ये पूरी चीज घूमती है, ये आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि टाइम बदल रहा है। इज इट अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू दैट करंट इज लीडिंग वोल्टेज बाय फाइव फेज बाय टू, मैं तो पहले बता दिया कि करंट और वोल्टेज क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि पावर के बारे में वी इनटू आई से स्टडी होगा, वो पावर का सेगमेंट हमारा थर्ड सेगमेंट है, टोल्ड यू पूरे चक्कर को तीन हिस्सों में बांट रखा हम लोगों ने, एक इसे लेक्चर वन में देख लिया, दो लेक्चर हमारे सर्किट एलिमेंट्स के बने हुए, हो सके तीन लेक्चर बन जाए, फिर पावर का सेगमेंट आएगा और एलसी ऑसिलेशन और ट्रांसफार्मर का सेगमेंट आएगा, तो हम लोग पावर के बारे में तब बात करेंगे, दिस इज अबाउट प्योर कैपेसिटिव सर्किट, इसमें नया नाम सुना तुमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस वर्ड कब आता है, जब रेजिस्टेंस इज एसी की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करने वाले आ जाए, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट अगर दोनों टर्म्स आने शुरू होगी तो उसे क्या बोलेंगे, इंपेडेंस बोलेंगे, सभी के यूनिट ओम है, राइट, नोट इट डाउन हियर,
लिखते समय एक करेक्शन कर लेना, ये नंबर टू टॉपिक है। वही प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में आपने देखा, बिहेवियर स्टडी कर लिया, एक्सी देख लिया, आई बी से लीड कर रहा है ये चेक कर लिया आप लोगों ने, आई बी से लीड कर रहा है ये चेक कर लिया आप लोगों ने, दो तरीके से डायग्राम देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जा रहे हैं, पार्ट फाइव में प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। अब आप लोगों ने एक इंडक्टर जोड़ दिया बच्चों बीच में, जिसकी इंडक्टेंस है एल और वोल्टेज की वैल्यू वी नॉट साइन ओमेगा टी की है। ओमेगा हम बार बार बात कर रहे हैं, इस सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा को 2 पाई एफ कभी भी लिख सकते हैं, एफ उस आर्मेचर की रोटेशन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ओमेगा का मतलब हमेशा एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहेगा। टॉपिक थर्ड है प्योर इंडक्टिव सर्किट, जिसमें इंडक्टर जुड़ा हुआ है, इस इंडक्टर का रेजिस्टेंस जीरो है, इसलिए नाम प्योर इंडक्टिव। दिस कॉइल डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, इसका आर जीरो है। अब चेक करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर अप्लाइड जो है वो v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t। इक्वेशन 1 अप्लाइंग केवीएल, ये तो प्रोसेस खुद करना आना चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं है। अप्लाइंग केवीएल तो v प्लस इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि ये v बदलेगा तो जो भी I था वो I बदलेगा, I बदलेगा तो EMF इंड्यूस होगा, तो V plus E बराबर जीरो, V not sin omega t minus L d I by dt equal to zero। थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा आप लोगों को, d I by dt की वैल्यू निकाल लेते हैं, V not by L sin omega t, ये उधर गया और L अपॉन में आ गया, d I की वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, V not by L sin omega t dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि आई का फंक्शन ही चाहिए हमें, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हियर, इंटीग्रेशन करें तो दोनों साइड्स का, डी आई का इंटीग्रेशन इक्वल टू वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये आई बन जाएगा वी नॉट बाय एल sin omega t का इंटीग्रेशन माइनस cos omega t by omega, देखते चले जाए i equal to minus v naught by l omega cos omega t, इसका नाम आपको अब लिखना आने वाला है v naught by xl, पूरा पूरा ये रेजिस्टेंस का फॉर्म है और ये फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इसलिए x सिंबल, R सिंबल, X सिंबल, इंपीडेंस के लिए हम लोग Z सिंबल का यूज करेंगे, Z, XL, XL का नाम अभी रख रहे हैं cos ओमेगा t, V नॉट बाय XL को I नॉट से रिप्लेस कर दिया cos ओमेगा t, ओमेगा t को पॉजिटिव रखना भूल मत जाना, एक बार तो इसको 90 माइनस ओमेगा t लिख लेता हूं, sin 90 में से पॉजिटिव होता है साइन 90 प्लस होता है, लेकिन ओमेगा टी पॉजिटिव करना है, नेगेटिव को अंदर लेके जा रहे हैं डियर, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी चल रहा है ना मेरी ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ये नेगेटिव अंदर लेके हम लोग रहे हैं। अब आपके सामने फंक्शन आ गया जी, ये दिखाई दे रहा आपको, ये आई का फंक्शन है, आसान आसान सी बातें बोलिए, सारी बातें सामने आ गई हैं, आपको इंटरप्रेट करना भी आ गया, एक एक इंटरप्रेट करते हैं। आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाय एक्सएल है, वेयर एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा, इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा, एक्स एल की वैल्यू ओमेगा पर डिपेंड कर रही है और इसका ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बनने वाली है।
मेकर का जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट आएगा। हम एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को वेरी करके इन चीजों को स्टडी कर रहे एक्सएल इक्वल एल ओमेगा, ये पूरी टर्म समझ में आ गई जो यहां पर लिखी थी। इसका यूनिट ओम आएगा, हम लोग ये जानते हैं। हो गया यहां तक का काम। अब वापस यहां आ जाइए, इस चीज को चेक करना है। इक्वेशंस को कुछ नंबर दे रखे हैं, 1 नंबर ये रही, करंट वाली इक्वेशन को यहां पे नंबर 2 दे देते हैं। ऐसे ये नंबर 2 और ये नंबर 3 है। अब 1 एंड 3 को चेक करें। 1 एंड 3 इज सजेस्टिंग यू दैट आई लैग्स बिहाइंड वी by phase pi by 2 और v leads i by phase pi by 2। क्या बोलना आपने? 1 and 3 implies v leads i by phase pi by 2 और i lags behind v by phase pi by 2। कोई दिक्कत नहीं है कि समझ में आ गई है बात, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आराम आराम से सीखने, गड़बड़ नहीं करनी है। चेक करके V और I का पहला ग्राफ, वोल्टेज को तो हम लोग बार बार साइन ओमेगा टी से शो कर रहे हैं, फंक्शन कोई और लिया होगा तो और बन जाएगा, वो दिक्कत नहीं है। प्लॉटिंग नाउ I, I का ग्राफ माइनस कॉस का लिया, चेक कर लो तो ये माइनस कॉस का ग्राफ, गॉट इट। दूसरा फेजर डायग्राम बनाना है, V को हम लोगों ने ओमेगा टी एंगल पर सेट कर रखा है तो I किस तरफ जाएगा, इससे 90 डिग्री पीछे जाएगा। समझ में आएगा तुम सबको क्या बोले बच्चों? V और I क्या फेजर 90 का, ये 90 है। V leads I by phase, रोटेशन अभी भी कैसे ले रहे हैं, y एक्सिस पर रोटेशन कर रहे हैं, उसको घुमा हम लोग यू रहे अभी एंटी क्लॉकवाइज, गॉट इट। सारी बात समझ में आ गई तुम बच्चों को, नोट कर लीजिए। दिस इज प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट इट इज। ध्यान से देख लीजिए आप सब सारी चीजों को, यहां तक के सारे सर्किट एलिमेंट्स आपको समझ में आ जाने चाहिए। ये तीन बिल्कुल सिंपल सिंपल सर्किट एलिमेंट थे। अब फोर्थ और फिफ्थ जो सर्किट एलिमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, इनके कॉम्बिनेशंस हैं, इससे क्लैरिटी और आएगी बात लोगों को, इसी से क्लैरिटी आएगी जो बोलने वालों चीज है। अब उस क्लैरिटी को लेके आते हैं, चेक कीजिए। अब हम लोग फोर सर्किट ले रहे हैं, अब सर्किट प्योर नहीं बचने हमारे पास, अब इम्प्योर वर्ड यूज नहीं करेंगे लेकिन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज सर्किट्स ओनली, सिलेबस में सीरीज सर्किट्स ही हैं, एक पैरेलल सर्किट जरूर पढ़ेंगे लेकिन सिलेबस में सीरीज सर्किट है। पहला सर्किट सिर्फ बताया जाएगा कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है, एक सर्किट पूरा पूरा सॉल्व करेंगे। पहला सर्किट ले रहे हैं, इनफैक्ट फोर्थ वन इट इज नाउ, सर्किट का नाम है एलआर सर्किट विद एसी सोर्स। पहले आपके पास सारे इंडिविजुअल थे, अब आपके पास ये वाला सेट, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, आराम आराम से सीखने हैं, बड़े आराम आराम से सीखने हैं। दोनों सीरीज में हैं, दोनों में आई पक्का से होगा, थोड़ा सा यहीं से लाइन को क्लियर कर दूं। इस जगह पर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, यहां की इक्वेशन, इसके अक्रॉस वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज आई, और सर्किट का इंपीडेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना आएगा, वो रेजिस्टेंस होगा, रिएक्टेंस होगा, इंपीडेंस होगा, क्या होगा, ये सारी बातचीत हम लोग करेंगे। अब यहां चेक कीजिए, ये जो चार फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शंस है, इन चारों में से कोई भी एक नोन हो सकता है, हो सकता है ये v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा t दे रखा हो सकता है ये वाला i बराबर i नॉट साइन ओमेगा t दे रखा हो सकता है vl बराबर vl नॉट साइन ओमेगा t दे रखा हो। एक फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, माना ये दे रखा है, ये लेट किए कि ये गिवन है, लेट इट इज गिवन टू यू, कोई एक फंक्शन गिवन होगा, पक्का गिवन होगा एक फंक्शन, ठीक है। अगर फंक्शन नहीं गिवन होगा तो जब क्वेश्चन पूछा होगा वो कंपैरेटिवली बहुत आसान होगा इन बातों से जो हमें डील करनी है। तो लेट दिस फंक्शन इज गिवन, अब चेक करना आई सेम होगा, आई सेम होगा तो फेजर ही बनाने शुरू करो। आई आई क्या बोल रहा हूं,
आई विल बी सेम इन सर्किट फॉर बोथ एलिमेंट्स. चेंज करता हूं रेडिकल दिखाई नहीं दे रहा शायद. आई विल बी सेम इन सर्किट फॉर बोथ एलिमेंट्स. लेकिन आई और वी एल के बारे में पढ़ चुके हैं कि वी एल लीड्स आई बाय फेज बाय टू और आई और वी आर सेम फेज में होते हैं. भी रेजिस्टर के अक्रॉस जो भी वोल्टेज आएगी उसके लिए वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे. इसके लिए वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस पाई बाय टू का जाएगा एंड वोल्टेज लीड्स आई बाय फेज बाय टू. आराम आराम से ही करना है फिर बोल रहा हूं. तो क्या कंक्लूजन निकला? VL leads I by phase pi by 2. VR and I are in same phase. तो आपको एक लाइन बोलनी है यहां से जो क्लियर हो रही है इन दोनों से. इंप्लाइज दीज टू स्टेटमेंट इंप्लाइज VL leads VR by phase pi by 2. अब VL और VR मिलकर भी VL leads I by phase pi by 2, VR leads I, V and I are in same phase, तो बता चुका था हम लोगों ने, देख लिया हम लोगों ने देखी, और VL leads इसी से implies हुआ कि VL VR से pi by 2 phase आगे होगा. अब हो सकता है कि VL, VR और V इनमें भी phase difference आए, V और I में भी phase difference आएगा. तो अब ध्यान से देखने वाली चीज है बच्चों, check कीजिएगा. ये क्लियर है कि वी आर और वी एल का रिजल्टेंट ये पीक वैल्यूज नहीं है सारी की सारी. वी आर ये वी एल यहां शो कर सकता हूं बट जानबूझ के यहां शो कर रखा है. वी आर और वी एल का रिजल्टेंट वी के बराबर है. वी आर और आई सेम फेज में और V किसी इंस्टेंट T पर हम लोगों ने ओमेगा T एंगल पे बना रखा है. ये पूरा एंगल ओमेगा T है लेकिन V नेट जो है ये वाला V नेट I से फाइव फेज आगे. थोड़ी मुश्किल चीज लग सकती है लेकिन समझनी पड़ेगी हम लोगों को ये पे चीज. चेक करें VR और VL का रिजल्टेंट V अप्लाइड है. ये वेक्टर फॉर्म तो लिखा हुआ है V R और V M का रिजल्टेंट V है और V किसी इंस्टेंट पर ओमेगा T एंगल पे पड़ा है. V R और I सेम फेज में है तो V लीड्स I बाय फेज फाइव. नाउ अभी 90 का फेज बचा ही नहीं है, फाइव फेज बचा है. अब पीक वैल्यूज की बात कर लेते हैं. पीक वैल्यूज की बात करोगे तो V नॉट स्क्वायर इक्वल टू V L नॉट स्क्वायर प्लस V R नॉट स्क्वायर. V नॉट इक्वल टू V L नॉट स्क्वायर प्लस V R नॉट स्क्वायर अंडर. ये तो रेक्टेंगल ट्रायंगल बन ही गए और ये सारे के सारे क्या थे? ये जो वेक्टर फॉर्म लिखी है आपको समझ में आ गया कि VL और VR का रिजल्टेंट जो बनेगा वो V बनेगा. इन दोनों का रिजल्टेंट ये वाली वोल्टेज ही है क्योंकि इनका कंपटीशन ही दे रहा है. बट मैग्नीट्यूड वाइज बात करें क्योंकि 90 फेज है तो चीज ये लिखी जाएगी. VL नॉट का मतलब क्या बनेगा? I नॉट XL. ये बनेगा I नॉट R. I नॉट का स्क्वायर कॉमन के नीचे जाओ तो V नॉट बाय I नॉट इक्वल टू आ गया XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट. ये फिर ओम की यूनिट बन गई लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टर्म्स आ रही है. दोनों टर्म्स आ रही हैं तो यहां पर चेक कीजिए इसका नाम क्या रखना पड़ेगा. इसका नाम रखना पड़ेगा इंपीडेंस ऑफ सर्किट क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों टर्म्स है. तो ये आ गया आपके पास इंपेडेंस ऑफ सर्किट. कुछ चीजें जो इक्वेशन के नंबर देने हैं नंबर देने अब शुरू कर लूंगा. अभी धीरे धीरे और चीजें सीखनी है. यहां से क्या क्या क्लियर हो रहा है बहुत ध्यान से सीखिएगा भैया. वी लीड्स आई बाय फेज फाइव. वी लीड्स आई बाय फेज फाइव में टेन फाइव की वैल्यू कितनी आ रही है? मार्क कीजिए टेन फाइव की वैल्यू वाली है वी एल नॉट बाई वी आर नॉट. ये हो गया आई नॉट एक्स
XL और ये हो गया I not R कट गया, tan phi की वैल्यू आ रही है L omega by R, तो phi की वैल्यू tan inverse L omega by R, इतने फेज का फर्क है। आराम आराम से ही सीखना है ये V not, ये I not, ये Z, यहां से एक क्वेश्चन ये आ रहा है V not equal to I not Z, ये तो यहां से प्रूव हुआ। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूं इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में, इस चीज को ध्यान से सीखना तभी इसकी क्लैरिटी आएगी, बहुत ध्यान सीखना। V की वैल्यू आपके पास V not sin omega t है, V की वैल्यू V not sin omega t गिवन है, मैं I की वैल्यू I not sin omega t माइनस फाइव से आएगी, क्योंकि आई बी से फाइव फेज आप पीछे है और फाइव की वैल्यू ये पड़ी, मैं आई नॉट की वैल्यू वी नॉट बाई जेड से आएगी, यहां से निकाला हम लोगों ने अभी भी, याद रखिए वी नॉट इक्वल टू आई नॉट जेड है, वी आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस जेड हो सकता है, लेकिन वी इक्वल वी इंस्टेंटेनियस इक्वल टू आई इंस्टेंटेनियस जेड नहीं हो सकता, क्योंकि इंस्टेंटेनियस आई तो फाइव फेज पीछे, ये इक्वेशन बराबर कभी हो नहीं सकती, ये एम्पलीट्यूड से निकली हुई इक्वेशन है याद रखें, और ये रूट टू वाला आरएमएस हमने लिया है इसका। बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन जो बनेंगे वो सिंपल सिंपल इस पर बनेंगे, ये चीज रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन तुम्हें सारी क्लैरिटी होनी चाहिए, बोर्ड में कितना लिखना वो अलग से बता दूंगा, लेकिन ये पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वी आई। अब वी एल और वी आर का फंक्शन लिख रहा हूं, VL का फंक्शन क्या होगा, VL not, VL जो है, VL जो है वो I से 90 फेज आगे है, तो VL not sin omega t minus 5 plus pi by 2, I से 5 फेज 90 फेज आगे है VL not, VR not, VR लिखना है तो ये I के साथ सेम फेज में, समझ में आ गया, अरे बोलो इस समझ में आ गया कि कैसे कैसे फंक्शन लिखेंगे, तभी कहे हो सकता है कि इसका फंक्शन ना दिया होता मुझे, इस क्वेश्चन में VL का फंक्शन दिया होता VL not sin omega t, तो मैं सारे बात अपनी लिखता, अगर VL का फंक्शन VL not sin omega t का होता तो VR और I का फंक्शन minus pi by 2 से आता, क्योंकि VR और I दोनों से pi by 2 फेस पीछे, और V का फंक्शन I से 5 फेस एक्सटर्नल आ जाता, बात समझ में आई कैसे फंक्शन देखे जा रहे हैं, ये प्योर कॉम्पिटिटिव जेई मेंस एडवांस की बात है, मेंस में से क्वेश्चन नहीं आते, ये जो फंक्शन लिखना सीख रहे हैं एडवांस का पॉइंट ऑफ व्यू सीख रहे हैं इस टाइम पे, हाउ टू राइट दीज फंक्शंस, बेसिकली क्वेश्चन जेई मेन में या बोर्ड में तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, ये डायग्राम बना दिया, लोगों ने ये पढ़ा है, ये वी आर नॉट, ये वी एल नॉट और ये वी नॉट, ये देखो ध्यान से वी आर नॉट, ये वी एल नॉट, कोई फाइव का चक्कर इसका फेजर बनाएंगे, ये V not आ गया, ये V L not लिखा है, ये V I से 5 फेस आ गया, बाकी सब चीजें वही थी भाई, आगे समझ में गया तुम लोगों को, इस लेक्चर में इतना काफी है, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे CR सर्किट, LC सर्किट, LCR सर्किट, उसमें हम रेजोनेंस की बात करेंगे, फिर देखेंगे आगे कैसे कैसे चैप्टर बढ़ता है, लेकिन अगले लेक्चर में हमारे पास जो तीन सर्किट आएंगे वो होंगे RC सर्किट, LC सर्किट, LCR विद AC सोर्स, ठीक है जी, इस लेक्चर में इतना ही है।